बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए दो मैंने आलू ले लिए थे। इसको नमक डाल के पानी में बॉईल कर दिया है और आलू को छील के मैंने मैश कर लिया है। और साथ ही मैंने ये एक अदद प्याज ले ली है, बारीक बारीक काट ली है। और तीन से चार हरी मिर्च ले ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब प्याज और हरी मिर्च को मैं इन आलुओं में डाल दूंगी। और साथ ही साथ मैं ये एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये है दो चुटकी मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बस दो चुटकी ले रही हूँ कलर के लिए। और दो चुटकी मैं ये लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और ये आधा चम्मच में ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। और साथ ही साथ में ये सूखा धनिया का पाउडर है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच। और ये दो चुटकी के बराबर मैंने ये चीनी डाल दी है। और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, जिस तरह आप खाना पसंद करें उस तरह नमक डालिएगा। और साथ ही साथ मैंने ये हाफ बंच हरे धनिए का ले लिया है, इसको अच्छे से साफ़ करके धो के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और एक प्याली मैंने मैदे का आटा लिया है और एक प्याली मैंने घी का आटा लिया है। अब इन सबको एक साथ हम मिक्स कर देंगे अच्छी से, बिल्कुल अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे चारों तरफ से, ताकि जो आलू मसाले और आटे जो है हमारे सारे एक साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से चारों तरफ से। और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदिएगा। और ये एक टीस्पून मैं घी भी डाल रही हूँ इसमें। अब जो है मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से गूंद लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। ऊपर से थोड़ा घी लगा के मैं इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। घी लगाने से ऐसा होता है कि ये आटा हमारा ऊपर से सूखेगा नहीं। साथ ही साथ मैंने इसके पेड़े भी बना दिए हैं आधे घंटे के रेस्ट के बाद, इतने हमें पेड़े बनाने। अब मैंने ये पेड़ा भी बेल लिया है रोटी की तरह, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। अब तवे पे मैंने रख दिया है। अब इस पराठे को जो है नॉर्मल आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। पहले एक तरफ से पकाए फिर दूसरी तरफ से पकाना, और ऊपर से घी लगा लीजिए। घी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है इसमें डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए ये प्यार साबित होता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। बस ये जो है हम मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, वरना हमारा पराठा जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से, इसके अच्छे से फूल नहीं बनेंगे। देखिए ये रेड रेड निशान आ गए दिख रहे हैं आपको, तो इसको फूल कहते हैं। तो इस तरह हम पराठे को पकाएंगे। और माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बने थे पराठे, आप भी बनाइएगा, बताइएगा किस तरह बने हमारे पराठे। ये थोड़े न्यू स्टाइल के पराठे, आप भी बनाइएगा, बताइएगा किस तरह बने थे हमारे ये पराठे, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ख़ास ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।